नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक विभाग के और पीसीसी सदस्य मोहम्मद हलीम अंसारी जी। मोहम्मद हलीम अंसारी जी से हम बात करेंगे और जानेंगे अल्पसंख्यक विभाग के काम के बारे में और कांग्रेस पार्टी के काम के बारे में। तो सबसे पहले हलीम अंसारी जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, और तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के लिए क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है। कांग्रेस पार्टी सभी विभागों को फ्रंटल माध्यम से बांट दिया है। जिसकी जो परेशानी रहती है जी, उसके माध्यम से, जिले के माध्यम से उसको, उस परेशानी को अवगत कराया जाता है। अवगत कराने के बाद कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता उसको जो है बखूबी अंजाम देकर जो है उनकी परेशानी को, दुख दर्द को, जो भी परेशानी हो उसको पूरा यहाँ से लेकर लखनऊ तक उसको पहुँचाया जाता है और उसको देखा जाता है कि आइंदा जो है ऐसा कोई परेशानी ना हो, जिससे कि अल्पसंख्यक अपने आप को महसूस करें कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, इसलिए मेरी बात जो है कांग्रेस पार्टी नहीं सुन रही है। इसलिए पूरी निष्ठा के साथ जो है सभी के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं की जाती है और उनकी बात को, उनकी परेशानी को पहुंचाया जाता है और पूरी कोशिश हो सके कि वो संतुष्ट हो सकें, इस यही हम लोगों का जो है उद्देश्य रहता है जी। हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक जो समाज है, आज की जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियां अल्पसंख्यक समाज पे मुद्दा बनाकर काम करती हैं, तो इससे अल्पसंख्यक विभाग जो है, वो अल्पसंख्यक समाज जो है वो भ्रमित नहीं होता है अपना नेता चुनने में। देखिए, अब चारों तरफ से तो अल्पसंख्यक के ऊपर तो ही है जी, इसमें और पार्टियाँ सपा की या और जो भी है सब जो है लुभावना देती हैं अल्पसंख्यक को। लेकिन सच पूछिए तो इस समय प्रदेश की और देश की जो हालात है वो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी जो है वो रोड पे आकर अल्पसंख्यकों का या दलित का जो भी मामला हो वो सब जो है उसको उठा रही है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उनको जो अवगत कराया जा रहा है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है कि किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक के ऊपर या दलित के ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी की लड़ाई हम लोग रोड पर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक जो है पूरा हक नहीं मिलेगा। तो आप सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं अल्पसंख्यक समाज में, सबसे ज़्यादा क्या समस्या है जिसको लेकर आपको आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार के खिलाफ वो आपको रखना चाहिए अपनी बात? इस समय जो सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो सरकार और सरकार में लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक के खिलाफ तरह तरह के भ्रामक जो है प्रचार करते हैं, जिससे कि उनको जो है ये महसूस होता है कि हमारे खिलाफ़ जो है ये साजिश रची जा रही है, हमको जो है वो डिमोलाइसिस किया जा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग उसको लेकर सामूहिक धरना प्रदर्शन या ज्ञापन के माध्यम से या SDM की या DM के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि इस तरीके से जो है अल्पसंख्यक को परेशान किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले दिनों में इस तरीके से जो है भाषा का इस्तेमाल ना हो, जिससे जो है हमारे हिंदुस्तान में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं यहाँ पर समान रूप से रहते हैं और समान रूप से रहेंगे, किसी को जो है या वो बेइज्जत नहीं किया जाएगा और वो अपने संविधान, हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान बना है उस संविधान के हिसाब से यहाँ पर जो है रहने का सभी का अधिकार है जी। तो हम बात करते हैं चुनाव की, तो प्रयागराज की जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो किस पार्टी, ज़्यादातर वो समाजवादी पार्टी को वोट देती है, तो क्या 2022 में भी वो समाजवादी पार्टी को चुनेगी या फिर बदलाव होगा, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, जो ये इस साल परिस्थितियां हैं, इस समय जो है कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान हुआ है, जो भी मुद्दे हैं, जो भी कांड हो रहे हैं, जहां पर हो रहे हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी हाँ उसको लेकर जो है चारों तरफ धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अल्पसंख्यक और मुस्लिम
खासकर जो है कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ा है और वो लगातार जुड़ता चला जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा कांग्रेस की तरफ जो है अल्पसंख्यक का, दलित का और जितने भी हैं वो सबका झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा और आने वाले दिनों में बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे कांग्रेस पार्टी की 2022 में रहेगी। जी तो हम बात करते हैं वोट की, तो आपको नहीं लगता है कि जो अल्पसंख्यक समाज है और सारे दल उसी पर राजनीति करते हैं वोट पाने के लिए, उनके जो वोट है पाने के लिए उसी पर राजनीति करते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज का हक है वो उनको नहीं मिल पाता है, इसका कारण क्या है आप? हाँ ये तो है ही है भाई कि जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, लोग चुनाव के दौरान जो है लालीपॉप देकर उनको भ्रमित करते हैं और चुनाव के बाद जब जीत जाते हैं तो फिर उस मुद्दे को हटा कर जो है टूटा टूटा करने लगते हैं जिसमें कि जो है उनको ना नुकुर करते हैं। लेकिन हम जो जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश में 17% अल्पसंख्यक हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे, ये ज़्यादा होता है काफ़ी किसी को जिताने हराने में जी, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि? हाँ नहीं तो उसमें तो है ही कि भाई मुस्लिम जिसको एक तरफ से अगर वो कर ले जिस तरीके से अभी तक सपा को जो है जिताते चला आया है और इसके पहले कांग्रेस में था लेकिन कुछ कारण की वजह से जो है मुस्लिम जो है सपा से जुड़ा जो कि जुड़ता रहा लेकिन अब सपा से मोह भंग हो रहा है और फिर अपनी उसी दिशा में जो कांग्रेस पार्टी के जिसमें कि मुस्लिम भी और दलित भी और अन्य जात के लोग सभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी को देते थे उसी तरीके से फिर माहौल बन रहा है। अब सब इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी की आने वाले दिनों में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और अपने काम को अंजाम देंगे जिससे कि विकास की राह चल सके। जी तो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी में क्या प्रियंका गांधी के आने से पार्टी मजबूत होगी? हाँ उम्मीद तो है ही है कि भाई अब ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई, और लोग थे ही लेकिन प्रियंका गांधी के आने पर जो है जो उत्तर प्रदेश के लोगों को एक ऊर्जा शक्ति मिली है, ऊर्जावान हुए हैं कि हर मौके पर हर जगह पहुंचना, तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है ऊंचा होता है और इससे पार्टी के लोग जो भी और जागरूक जो बैठे हुए थे कि हमारा कोई सुनता नहीं पार्टी के लोग नहीं सुनते तो वो धीरे धीरे सब रोड पे आ रहे हैं और प्रियंका गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बनाने का जो है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और जनता भी यही चाह रही है कि हम जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनाएं जिससे कि जो है यहाँ पर रोज़गार और रोज़ी रोटी की नौजवान जो हमारा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजी रोटी से जोड़ने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो 2022 की राजनीति क्या होगी और कांग्रेस पार्टी का पार्टी में जो बदलाव होगा उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? भाई 2022 में बदलाव तो होने जा रहा है क्योंकि बिगुल अभी से बज गया है, लोग चारों तरफ जो है आपस में मशवरा और सब करना शुरू कर दिए हैं, तो अगर 2022 में और अभी और मजबूत होगी जितने दिन आते और दिन करीब होते जाएंगे उतने और मजबूत होते होंगे। भाई दिल्ली में जो लोग बैठे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जनता ऊब चुकी है, अब उसको विकास चाहिए रोजी रोटी चाहिए ना कि जो है फालतू कामों से लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम ये वो करने से उसका पेट भरने वाला है, गरीब मजदूर मर रहा है उसको रोजी रोटी चाहिए। तो हम बात करते हैं आपकी राजनीति पर, आप अभी संगठन में ही काम करेंगे या फिर विधायक का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी आप चुनाव लड़ेंगे? भाई संगठन के तो हम लोग काम कर ही रहे हैं जी और विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसमें चुनाव भी लड़ूंगा और तभी तो जनता के परख में आएगा ना कि जनता क्या करती है क्या नहीं करती है हमारे काम को कितना अंजाम देती है। तो आप किस विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या होगा? फूलपुर विधानसभा हमारा जो है
इसी में हमारा निवास भी पड़ता है, इसी विधानसभा में रहते हैं और विधानसभा के चारों तरफ हम टहलते भी रहते हैं। लोग हमसे अच्छी खासी जो है जुड़े हुए हैं और सब लोगों की समस्या जो भी रहती है वो समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई भी कुछ हुआ तो उसको पहुँच कर उस मामले को हम शांत कराते हैं, ना कि उसको उलझाते हैं। मैं शांत करा के वहीं जो है ख़त्म करा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले दिनों में जनता जो है हमको जो है इसका जवाब देगी और हमारे साथ रहेगी। तो आप फूलपुर क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ की जो समस्याएं हैं उसे आप कैसे देखते हैं, वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? हाँ, जिस तरीके से हमारे फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, हमारा नौजवान जो पढ़ लिख कर बेकार घूम रहा है और बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है, इससे जो है वो क्षुब्ध होकर जो है, इसके पहले करीब 25-30 साल पहले कांग्रेस की पार्टी थी, इफ्को फैक्ट्री लगी हुई थी और आज तक यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। इससे हमारा नौजवान उपेक्षित हो रहा है और वो मन बना चुका है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को जिताकर यहाँ क्षेत्र में फैक्ट्री लगा दें जिससे कि विकास के रास्ते निकल सके और हम पढ़ लिख कर बाहर नौकरी ना करने जाएं, हम अपने क्षेत्र में ही जो है फैक्ट्री में काम करें जिससे कि जीवन यापन हो सके और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके। तो जो 2022 में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका मुद्दा क्या होगा, आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से होगा, आप किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे? अब क्षेत्र में जितने भी मुद्दे हैं विकास के बारे में और जो विकास नहीं हुआ, जो क्षेत्र में जो भी कमियां है उस कमियां को लेकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारे विकास के एजेंडे में जो भी कांग्रेस पार्टी जो है विकास के उसमें करेगी, हम उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी में लगे और अभी भी लोगों को एक मुद्दे पर ले आने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में सभी के रहने का अधिकार है और सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरीके से हम मिलजुल कर अपने विकास को काम करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी देने का काम करेंगे। और जिस तरीके से मैं अपना रोज़गार चला रहा हूँ उसमें जो भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं रोज़गार से, उसी तरीके से यहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगवा कर लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम करूँगा। तो हम बात करते हैं प्रदेश सरकार की, जो इस समय सत्ता में है, बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तो आप प्रदेश सरकार के काम को किस प्रकार से देखते हैं, क्या सरकार सफल है इस समय? सरकार तो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची है, जिस तरफ देखिए उस तरफ लूट मची है, गरीब जनता जो है परेशान है, बलात्कार घटनाएं दर पर दर हो रही है, जितने विधायक हैं वो भी बलात्कार में लिप्त हैं, बीजेपी के नेता भी जो है इस समय जो है बलात्कार में लिप्त हैं और जिस तरीके से अभी सहारनपुर के घटना घटी है वहाँ पर बलात्कार हुआ है, वहाँ पर सब उजागर हुआ है लेकिन अभी तक हाथरस की घटना का खुलासा नहीं हो सका और हम चाहते हैं कि उसको, उस दोषियों को जो है सख्त से सख्त सज़ा मिले जिससे कि हमारे प्रदेश की स्थिति बदल सके, जो हमारे माँ बहन बेटियाँ जो रास्ते चलते हैं उनको छिटाकसी या उनको परेशान किया जाता है उससे सीख मिले जिससे कि वो अपनी आज़ादी से घूम सकें और कोई निडर होकर घूम सकें, स्कूल जा सकें, वो कहीं भी जाना हो वो निडर होकर जाएं, ऐसा हमारा कानून व्यवस्था होना चाहिए। जी, कांग्रेस पार्टी की अब बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि वो गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन वो आए दिन अपना ऐसा जो फैसला बदल लेती है, तो आप जैसे पुराने नेता छूट जाते हैं, तो क्या इस बार ऐसा होगा, वो गठबंधन करेगी या नहीं करेगी 2022 के चुनाव में? अब अभी तक तो नहीं लगता कि गठबंधन होगा, अभी तो ये हो रहा है कि भाई अकेले दम पे हम लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तभी जो है यहाँ की जनता को समझ में आएगा कि हमारे साथ में कितना जो है चल रही है, हमें कितना सहयोग कर रही है, हमारे कार्यों को कितना जो है उसने अपने अंदर लिया है और हमको अपनी दिली इच्छा से जो है वो हमको कवर करेगी और
सरकार जैसे 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीब मजदूर दलित जो भी है उनको जो है ख़ास तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा भी करती रहा और आज भी उनके लिए काम करने चाहे मनरेगा योजना ये कांग्रेस पार्टी के जो कि आज भी चल रहा है लोगों ने उसकी उपेक्षा की लेकिन फिर बाद में उसको लागू किया। इसी तरीके से गरीबों कल्याण के लिए जो कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती रहती है। जी अभी बिहार का चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुआ है जिसके नतीजे भी आने वाले हैं तो क्या बिहार के चुनाव का जो नतीजा होगा वो देश की राजनीति पर असर डालेगा या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या इस पर असर होगा बिहार के चुनाव? हाँ बिहार का चुनाव से जो रुझान बदलेगा और वहाँ से जितने मीडिया है और वो सब उन लोगों का रुझान तो साफ आ गया है कि वहाँ जो है गठबंधन की सरकार जो है क्लियर बन गए और बीजेपी बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर हार रही है और यही सच भी है क्योंकि वहाँ के जनता को देखने को मिला जिस तरीके से जनता जो है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जनसभा में जनसैलाब उमड़ के आती थी इससे लग रहा था कि यहाँ पर जो है सरकार जो है गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी की बनेगी और यही सच भी है। वहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार जो असफल है और बुरी तरीके फलाप है उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी जनता भी अब जागरूक हो अब इनके बहकावों में न आकर या जो ये बहकाते रहते हैं जनता को कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं किसी के नाम पर कहीं धर्म के नाम पर तो ये अब जनता उब चुकी है। अब जनता सीधा विकास के रास्ते पर आ रही है और विकास को देखना चाहिए जिससे उसके जो है बच्चे पढ़ लिखकर विकास की दौर में अपना काम कर सके। हलीम अंसारी जी आपने हर मुद्दे पे विकास की बात की है तो विकास का मुद्दा लेकर ही जो बीजेपी की सरकार है वो सत्ता में आई है तो आप इस पर क्या कहेंगे क्या किस प्रकार से विकास किया है या नहीं किया है? हाँ जिस तरीके से इन लोगों को भ्रमित कर करके विकास हम करेंगे कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है और लोगों को जो है 15-15 लाख रुपया देंगे और उसके बारे में भी आ गया कि भाई ये तो वो चुनावी जो है जुमला था उससे भी जनता को सबक लेना चाहिए कि इनके जुमलों में न फंस कर के आप अपने एजेंडे से अपने मन से अपने उससे देखते हुए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है 1947 के बाद से आज तक विकास किया ये 6 साल में पूरा हिंदुस्तान को गर्क कर दिया है और हिंदुस्तान के लोग तराई तराई मच गई है और जिस तरीके से लॉकडाउन में लोग परेशान होकर पैदल चल चल कर के गरीब बच्चे रास्ते में ख़त्म हो गए उनको न पानी पीने का सुविधा न राशन का सुविधा उस तरीके से जो है वो जनता उब चुकी है इनसे। अब जनता इनसे किसी तरीके से अपना छुटकारा चाहती है हम जानते हैं कि जनता जो है इसका सही जवाब देगी। हम आपसे हलीम अंसारी जी व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं कि आप अपने क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं देखते हैं और उसके लिए कितना आंदोलन आप करते हैं सरकार के खिलाफ? हम क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं विकास के बारे में उसको भी देखते हैं कोई की परेशानी हो उसको भी देखते हैं जैसे लोगों के ज़्यादा परेशानी होती है थाने की तो लोग इधर उधर करते हैं तो उसको भी हम जाके जो है उसको सॉल्व करा देते हैं और लोगों को छुटकारा भी दिलाते हैं और अधिकारी भी मेरी बात को सुनते समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं चूँकि जानते हैं कि ये हलीम अंसारी पूरे क्षेत्र में नाम है चूँकि इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ इस तरीके से तो उस तरीके से लोग जानते भी हैं और अधिकारी मेरे बातों को सुनते हुए और जो भी परेशान रहता है उस पर मदद करके उसको छोड़ने का काम करते हैं। जी रोजगार की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि प्रयागराज में और इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? प्रयागराज में तो इंडस्ट्री होना चाहिए जिस तरीके से ये इलाहाबाद प्रयागराज संगम नगरी हमारे इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश का एक धड़कन है जो यहाँ पर लोग गंगा स्नान करने आते हैं मेला लगता है कुंभ लगता है तो ये यहाँ तो विकास की धारा होना चाहिए लेकिन अभी तक यहाँ के प्रयागराज के बारे में कोई विकास की बातें नहीं करता जो आता है इधर उधर करके उसके बाद निकल जाता है तो हमारा रहेगा कि
विकास किया और फूलपुर क्षेत्र में हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोजगार रोजी रोटी से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे उनकी जो है बीबी बच्चे पढ़ लिख कर और अच्छा जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। जी मेरा आखिरी सवाल है कि आप फूलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? फूलपुर की जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप अपने बीच में देखिए कि जो आपका आने वाले दिनों में आपका प्रत्याशी कैसा है, ईमानदार है कैसा नहीं है, आपके एक आवाज़ पे आता है, आपकी बातों को सुनता है, क्षेत्र में विकास करता है कि नहीं करता है, इस तरीके से आप अपना प्रत्याशी चुनकर उनको अगर पहुंचाने का काम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में फूलपुर का विकास एकदम क्लियर होगा और यहाँ की जनता अपने आप तारीफ़ करेगी। जिस तरीके से मैं कांग्रेस में रहते हुए और आज भी उनके विकास के बारे में, उनके जो भी काम रहता है उसके बारे में आज भी मैं लगातार उनके बीच में रहता हूँ और उनका सुनता भी हूँ और उनकी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी समस्या है उनके समाधान करने की कोशिश करता हूँ। इसी को लेकर मैं क्षेत्र की जनता के सामने जाऊँगा और अपनी जो उम्मीद है उसको रख के और 2022 में कामयाबी की हासिल करूँगा। आपका हमारे टॉक शो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद आपको भी, इतना टाइम लिया और हमारे आप अपने टॉक शो के माध्यम से जो है जनता तक पहुँचाएं, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद हलीम अंसारी जी। मोहम्मद हलीम अंसारी जी ने बताया, जनता को संदेश दिया कि वह किसी भी दल के जुमले में ना आए, वो ईमानदारी से अपना नेता चुने और विकास के मुद्दों पर ही वो अपना प्रत्याशी चुने। साथ ही उन्होंने बताया कि वो 2022 में रोजगार के मुद्दों पर काम करेंगे और वहाँ की जनता को ये संदेश दिया है कि वो एक ईमानदार नेता चुने, किसी भी नेता के जुमले में ना फंसे। हम आगे भी आपको ऐसे ही प्रतिनिधि से मुलाकात करवाते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।